खबर है नालंदा से, जहां सांसद कौशलेंद्र कुमार एडीआरएम अनुपम कुमार चंदन ने राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव एवं रवानगी को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। आपको बता दें कि सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव की मांग की गई थी। इस संबंध में कई बार पत्र भी लिखा गया और व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर यह अनुरोध किया गया कि हमारे क्षेत्र नालंदा अलावे नवादा तथा पावापुरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव पावापुरी रोड पर किया जाए। वहीं सांसद श्री कुमार ने बताया कि पूर्व की भांति सभी ट्रेनों का ठहराव करने की मांग रेल मंत्री से की गई थी। मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 महीने में बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का भी ठहराव यहां से चालू किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देश के जो रेल मंत्री हैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हम लोग की बात सुना। एक स्टॉपेज कल भी हम लोग करवाए थे वंदे भारत का, बख्तियारपुर में नालंदा के लोगों का बड़ा डिमांड था, खास करके बिहार शरीफ फरमाओं तो राजगीर के लोगों का भी डिमांड था। और आज पावापुरी का हम लोग हरी झंडी दिखाएंगे, यहाँ पर भी ठहराव होगा। कोविड के पहले यहाँ रुक रहा था, बीच में फिर रुका था, लेकिन अब अस्थायी रूप से आज से श्रमजीवी एक्सप्रेस रुकना शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि नालंदा से पूरा नवादा के लोगों को काफ़ी इससे राहत मिलेगा। सारे लोग चाहते हैं पावापुरी ही ट्रेन पकड़े, इस उनका भी राहत होगा। और जो चाहे यात्री के लिए कुछ कमी है उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि रेलवे को उन्होंने श्रमजीवी को ही राजगीर से चलाया था, और ऐसे मौके पर नालंदा के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा इसे यहाँ रुक जाने से। नहीं, यहाँ कोरोना के पूर्व है जो बुद्ध पूर्णिमा समेत सभी एक्सप्रेस गाड़ियाँ ठहराव होती थी, आज तक बुद्ध पूर्णिमा का भी मांग करते रहे आपसे और इसका भी धीरे धीरे हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा का भी हम लोग हरनौत में भी कराए हैं 4 महीना पहले, और यहाँ भी हो जाएगा। अभी कोरोना के समय में जो जो ट्रेन जहाँ रुक रही थी पहले, उसके बाद जो बंद हो गया है, उसके लिए भी हम लोग कमेटी में भी इसको रखे हैं। और 2 से 3 महीने के अंदर मैं समझता हूँ कि जो कोरोना के समय में बंद है, तो शेड और वेटिंग हॉल का काम इस बार हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, और उम्मीद है कि 1 साल के अंदर यहाँ एक वेटिंग हॉल हो जाएगा यात्रियों के लिए, और यात्री शेड का भी निर्माण हो जाएगा। अब ट्रेनों का ठहराव कम होने के कारण और यहाँ की अर्निंग भी कम है, करीब 154 टिकट यहाँ एवरेज बिकते हैं। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे यात्री सुविधाएं भी बढ़ती हैं। जैसे आप देखेंगे हॉल्ट स्टेशन पे कोई ज़्यादातर ट्रेन आ रही है, सुविधा रहती नहीं है, तो यहाँ पे जैसे जैसे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और नंबर बढ़ेगा, ट्रेन का ठहराव बढ़ रहा है, सुविधाएं भी बढ़ेगी। इस बार हम लोग वेटिंग हॉल और यात्री सेट का प्रस्ताव कर रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि 1 साल के अंदर यहाँ हो जाए। क्या नाम होगा सर, क्या नाम होगा यात्री सेट और इसका क्या? खबर लखीसराय से है, जहां मैलनी चौकी थाना क्षेत्र के ऋषि पहाड़पुर पर घात लगाए अपराधियों ने शिक्षक सह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मैलनी चौकी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। मृतक की पहचान मैलनी चौकी थाना क्षेत्र के देवघड़ा निवासी कैलाश फौदार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक कैलाश फौदार अपने बाइक से स्कूल जा रहा था, इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। मृतक के परिजनों की माने तो उन लोगों को सूचना मिली कि उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। वहीं आपको बता दें कि एफएसएल की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ, क्या पता चला आपको? पता चला हम लोग को खाना पर बैठे हुए तब पता चला कि कोई एक्सीडेंट हो गया। अब बाद में फिर चलता है कि नहीं, गोली मार दिया गया। आपके भाई से मिलकर? जी हाँ, मेरा छोटा भाई। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे स्कूल, निष्ठा शिक्षक हैं जी, प्रधानाध्यापक निष्ठा है स्कूल। कितना गोली मारा कुछ पता चला? पता तो चला एक गोली आर पार है, एक गोली और उस जगह का आदमी बोल रहा है कि 2 गोली मारा। किसी से कोई विवाद कभी रहा है? कभी नहीं। नहीं, क्या लग रहा है घटना का कारण? घटना का कारण क्या पता कैसे क्या क्या मांग करेंगे पुलिस से आप लोग?
पुलिस से हम लोग तो कहेंगे जो मारा उसको पकड़ो धकड़ो सजा दो, और क्या हम मांगेंगे। कई बाइक से जा रहे थे, यहाँ बाइक से आ रहे थे, इसको हर दिन जाते हो रोज दिन, ये छुट्टी था यार, मतलब सोमवार है, आ रहे थे अपना। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं देवघरा चंद्र टोला। रोशन कुमार, क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ किसी ने गोली मार दिया है ऐसे, कल जो है पी कर करके, मेरे एक गाँववासी है जो कि कल गाली गलौज दे रहे थे, बोल रहे थे बड़ा जिंदा रहा ये लेते थे, बड़ा भागा देवे गए उससे, और आज सुबह सुबह ये घटना घट गई। कौन लगते हैं आपके? चाचा, अपना चाचा। क्या नाम है इनका? कैलाश पुद्दार, मुखिया जी कहलाते हैं, ताजपुर पंचायत। क्या कहाँ घर क्या पड़ता है? देवघरा चंद्र टोला। गोली मारने का वजह क्या हो सकता है? अब मुखिया जी थे, दाद उसमरी किसी को भी हो सकता है, इससे पहले भी इनका किसी से। खबर बिजनौर से है जहां पुलिस हिरासत में एक किशोर ने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर में किशोर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस प्रेमी युगल को चंडीगढ़ से बरामद कर बिजनौर ला रही थी। रास्ते में दरोगा अपने भाई सतेंद्र के मकान में रुका था। देर रात किसी समय किशोर ने दरोगा के भाई के आवास के कमरे में फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। शामली में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के गांव मुंडा खेड़ी में तैनात को देखते हुए पुलिस जो है वहां तैनात कर दी गई। शिवहारा थाना क्षेत्र के गांव मुंडा खेड़ी निवासी 17 वर्षीय दीपक पुत्र अरविंद सिंह क्षेत्र के एक गांव निवासी एक लड़की को शनिवार को लेकर चला गया था। किशोरी के पिता ने शिवहारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपित किशोर के एक दोस्त को हिरासत में ले लिया था। किशोर ने बताया था कि वह दोनों चंडीगढ़ गए हैं जहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपका नाम क्या है? ये लड़का जो है, आपके लड़के का नाम क्या है? दीपक कुमार। ये घर से कब गया था? 12 तारीख में 5 बजे शाम से। आपको कब पता चला? नहीं तो अभी पता चला। नहीं नहीं, लड़का घर से जब चला गया तो आपको कैसे पता चला? सुबह वो आए थे गल्ला करी के मेरे को, लड़के पक्ष के उन्होंने बताया। लड़के पक्ष के आए थे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? तो तुम्हारा लड़का लड़की को लेकर भागी हमारे। ठीक है, फिर मैं ये कोई पता नहीं, वो आपको नहीं पता था? हाँ। उसके बाद क्या पुलिस आई आपके यहाँ? मेरे सामने नहीं आई, मैं सुबह आई। नहीं, जैसे पुलिस आई होगा, लड़का जब लड़की को ले गया तो पुलिस तो आनी चाहिए, जैसे आई आपसे कुछ पूछा कुछ कहा? दिनांक 13/10/2024 को थाना शिवहारा पर एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में कार्रवाई उप निरीक्षक सुनील कुमार द्वारा की जा रही थी। इस संबंध में थाना शिवहारा पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में आज दिनांक 14/10/2024 को सुबह में यह सूचना प्राप्त हुई कि उपनिरीक्षक सुनील कुमार एक महिला आरक्षी व एक मुख्य आरक्षी के साथ प्रकरण में जो है रवाना हुए थे, और अपहृता और आरोपी को जो है बरामद करने के उपरांत लापरवाही बरतते हुए उन्हें अपने आवास जो जनपद शामली में स्थित है वहाँ पर ले गए, और वहाँ पर जो है आरोपी की मृत्यु हुई है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उनसे लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है, और संपूर्ण प्रकरण में बरती गई लापरवाही के संबंध में। खबर रोहतास जिले के करगढ़ से है जहां करगढ़ थाना पुल से एक महिला अपने बच्चे के साथ नहर में उसने छलांग लगा दी। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी एवं स्थानीय लोगों की मदद से महिला एवं उसके बच्चे की जान बचा ली गई। बताया जा रहा है कि सेमरी गांव निवासी अजय राम की पत्नी राजकुमारी अपने पति के नशीले पदार्थ के सेवन करने एवं आर्थिक तंगी से परेशान होकर करगढ़ बाजार के थाना पुल से अपने बच्चे को नहर में फेंक दी। उसके बाद स्वयं भी नहर में उसने छलांग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मी एवं स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे एवं महिला को नहर से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने महिला एवं बच्चे का इलाज करगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही समाज सेवी सोनू पांडे के द्वारा महिला को तत्काल राहत सामग्री मुहैया कराई गई। कुछ परिवार में विवाद चल रहा है क्या? आर्थिक तंगी है, राशन उशन मिलता है?
मुजफ्फरपुर में आयोजित समारोह में विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता विकासशील स्वराज पार्टी में शामिल हुए। वहीं आने वाले सदस्यों और पदाधिकारी हम पार्टी भी आईपी पार्टी से आए हैं। वहीं विकास सिंह स्वराज पार्टी का ये पहला कार्यक्रम था। वहीं आपको बता दें कि पदाधिकारी ने 14 सहनी जाति के सभी के लिए आरक्षण की मांग, जुब्बा साहिनी के लिए भारत रत्न की मांग और सभी गरीबों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने की बात भी इस आयोजन में की गई। आए आप सभी प्रेस मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे क्षमा प्रार्थी भी है कि आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा टाइमिंग के वजह से। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य वजह है कि 2025 में चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष का उद्देश्य यह है कि हम लोग एक बिहार से आते हैं तो बिहार को बेहतर विकल्प कैसे मिले, तो ये जो बिहार को बेहतर विकल्प देने के लिए जो लड़ाई हमें लड़नी है उस लड़ाई के करीब में आज हमने जो हीरा को की जो खोज की है, ये तमाम जो हमारे साथ बैठे हैं हमारे युवा साथी हैं हमारे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर साहब हैं सभी लोग हर अपने अपने क्षेत्र के तराशे हुए हीरा है। और हीरा मैं संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि हीरा की चमक और सो धातु से और सो जो रत्न से अलग होता है, इसलिए आज जो भी हमारे इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं वो सारे एक मजबूत स्तंभ भी है, पिलर है, हमारे लड़ाई के पिलर है। सारे सेनापति हैं यहाँ पे, जितने भी हैं सारे सेनापति हैं और ये सारे सेनापति मिलके बिहार के जो बेहतर विकल्प देने की जो हमारी लड़ाई है, जो हमने ठाना है कि बिहार को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, अंतिम पायदान पर जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उस तक कैसे पहुँचे, ये सब सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि आप लड़ाई लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। इसी सब बातों को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई है और जो अन्य दल से हमारी विचारधारा से सहमत होकर हमारे दल में आए सभी का हमने स्वागत हम लोग के सामने समक्ष किया और ये सब लोग आप एक दल जो विकासशील स्वराज पार्टी है जो हमारी दल है वो सब आज दल के सब सदस्य हैं और मजबूती से आगने वाले चुनावी हो चाहे कोई भी जन समस्या का मुद्दा हो सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या आपका जो किसानी और निषाद जो हैं उनके बीच में ज़्यादा आपको मेहनत करना है? देखिए सहनी और निषाद जो हमारी जाति है सबसे पिछड़ी हुई जाति है, तो जो समस्या से जो ग्रसित है जो मूल समस्या है तो आप यहाँ के बीच ज़्यादा मेहनत कीजिए। नहीं, हमारा व्यक्तिगत किसी जाति का वो नहीं है, हम अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और जो स्वर्ण जो गरीब हैं, ऐसे नहीं कि स्वर्ण जाति के सारे लोग सबल हैं, उस स्वर्ण जाति के भी जो ऐसे लोग हैं जो जिन मुख्य धारा से नहीं जुड़े उन सबको एक साथ जोड़कर बिहार की बेहतरी के लिए काम करना है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रहेगा आगे आपका, अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन से लड़ेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग अपने दल के लिए काम करेंगे और अपने दल के जो मैनिफेस्टो है हमारा जो विचारधारा है समाज के बीच में जाएंगे और समाज का जो निर्णय होगा वो उस पर हम लोग काम करेंगे। सोनी समाज के भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है और मुकेश सोनी भी पूर्व मंत्री है, ऐसा क्या है कि आप आए और सोनी समाज का काम नहीं हुआ, क्या लग रहा है आपके आने से क्या कुछ सोनी समाज में बदलाव होगा और आगे विकास का? देखिए सोनी समाज से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो किसी दल से बंधे हैं, समाज की जो दुर्दशा है सोनी समाज का दुर्दशा जो पूरे बिहार में 3800 जिला में है, जो मंत्री किसी पार्टी से किसी प्रोटोकॉल से बंधे हुए वो आवाज़ नहीं उठा सकते जो हम आवाज़ उठा सकते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। आज आपने सहनी समाज की बात की, सहनी समाज का जो मुख्य जीविका का साधन है नदी तालाब, ये सारे अतिक्रमण हैं, लेकिन सहनी समाज के जो मंत्री बिहार सरकार में हो चाहे केंद्र की सरकार में वो मुद्दा नहीं बोल सकते क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है, ऊपर से जो आदेश होता है वही बोलते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हमारी पार्टी है, हम समाज की सहनी समाज के साथ साथ अन्य समाज है जो कहीं ना कहीं शोषित हो रहे हैं उन सबकी लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। बिहार में 2025 में कितने सीटों पर आप पार्टी चुनाव करेंगे? देखिए बिहार में 243 सीट है और हमारी पार्टी का गठन हुए एक साल हुआ और हम लोग समाज के बीच में जा रहे हैं और जो बेहतरी होगा। वहीं भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र की रावतपुरा सानी का ये मामला है जहां देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं फिर भी ग्रामीणों को मुख्य मार्ग से अभी तक यहां नहीं जोड़ा गया। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव में 2000 से अधिक की आबादी है फिर भी हमारे गांव को आज तक मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया। हमारे गांव में बोटिंग लगभग 800 की है फिर भी हमें शासन की योजनाओं से वंचित रखा जाता है। हमारे गांव में मुक्तिधाम भी अधूरा पड़ा हुआ है, आंगनबाड़ी तक जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
है। वहीं अगर बात की जाए शिक्षा की तो कक्षा एक से लेकर आठ तक के स्कूल में बच्चों के लिए जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, बच्चों को दलदल में होकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने आगे कहा कि हमारे गांव में यदि किसी की भी तबीयत खराब होती है तो उसे उपचार के लिए चारपाई पर रखकर ले जाना पड़ता है। बतपरा सानी ग्राम का रहने वाला हूं और यहां पर जब से देश आजाद हुआ है तब से यहां पर न तो कोई विकास हुआ है और रोड की तो सर इतनी समस्या है कि यहां से करीबन 800 मीटर मुख्य मार्ग है तो उसको जोड़ा नहीं गया। बहुत परेशानी हो जाती है। ये सामने स्कूल बना है अपना, यहां बच्चे आने जाने में दिक्कत होती है और कोई किसी को तकलीफ भी हो जाए, कुछ हो जाए तो ले जाने में आने जाने में बरसात के टाइम में इतना कम से कम घुटन घुटन खच के खचना में जाना पड़ता है। यहाँ गांव में कितनी वोटिंग होगी सर? वोटिंग करीबन 800 वोटिंग है यहाँ। घर कितने बने होंगे लगभग? 300। हाँ लगभग 300 घर, 350 घर। टोटल आबादी कितनी होगी यहाँ? 2500 के लगभग है। फिर भी रोड नहीं बने? जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद प्रजापति। ग्राम हमारे यहाँ ये समस्या है कि रोड नहीं है, बच्चे परेशान होते हैं, महिला छोटी बूढ़ी नुकरियाँ भी नहीं चल पाती हैं, डिलीवरी होवे तो रोड पे खाट पे ले कर रोड पे ले जाने परात है वो। हाँ बहुत परेशानी है। कोई बूढ़े आदमी टट्टी अट्टी के लाए बहुत परेशान है। रोड नहीं है यहाँ पे, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है यहाँ पे। हमारा मुन्नी। कौन सा गांव? रावतपुरा सानी। इससे हमारी सारी समस्या खराब है साहब। कीचड़, रोड नहीं जुड़ी, बहुएं बिटियन के लाने, बाल बच्चन के लाने, सारी व्यवस्था ही खराब हमारी स्कूल से। रोड बिल्कुल नहीं जुड़ी। अब यार कोई सीरियस हो जाए तो हमें कदन पे धर के रोड पे ले जाना है। बहुत ज्यादा गफलत में हम लोग तो घूटन घूटन कीचड़ करियन में न कर रहा है, सानी नहीं कर पा रहा है। चौपे को, भैंस को, बेला को सानी, काउगे औरतें जालंग थे बालंग गोड़वा में नहीं धस रही, रोटी करने में भी परेशानी पड़ रही। और बोलो साहब किस तरीके से जा रहा है, क्या करने हमको, किस तरीके से जी सकते हैं? आप चल के और देख लेना। वहीं विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पहले विदिशा विधायक, शमशाबाद विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए विदिशा आने के कारण की उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज इस सदस्यता अभियान के दौरान विशेष दिन जो है वो माना जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जिले के शमशाबाद तहसील और विधानसभा के अंतर्गत ग्राम वर्धा में 15 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का उन्नयन कार्य किया जाना है, उसी के भूमि पूजन में वह शामिल होने के लिए विदिशा पहुंचे। इस दौरान विदिशा विधायक मुकेश टंडन, शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा आदि कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। उसी सिलसिले में आज हम लोग के विशेष सदस्यता अभियान का दिवस है। एक तो पार्टी कार्यालय में बैठक भी रखी है, बैठक के साथ साथ सभी जो लक्ष्य हमारे हैं जिले के, हर जिले के, उसको पूरा करने के लिए जो कई जगह रह गए हैं उसको पूरा करने के लिए फिर से निर्देश किया गया है पार्टी से, उसी संबंध में बैठक भी है। उसके साथ साथ हमारे शमशाबाद विधायक जी के क्षेत्र में बड़ा गांव में करीब 15 करोड़ रुपए के भूमि पूजन, उसमें भी वहां शामिल थे। और कार्यकर्ताओं से मिलने का तो रहता ही है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।